Good morning, students. Students, today we are going to start with a new unit of macroeconomics, money and banking. Money and banking जो है बेटे इस unit की weightage 6 marks की है out of 80 theory. ठीक है, theory part हमारा 80 marks का होता है, जिसमें से money and banking का जो unit है वो 6 marks का आता है, जिसमें से जनरली 4 marks का क्वेश्चन इसमें से आता है बैंकिंग में से, और 2 marks 1-1 marker के होते हैं जनरली जो मनी में से आते हैं. ठीक है, लेकिन अभी आपकी अगर टर्म 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, क्योंकि हमें अभी सिलेबस के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो 1 markers ही आने हैं, MCQs ही आने हैं, तो कंसेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट मनी. पहला चैप्टर इसमें है मनी, और दूसरा है बैंकिंग, जो कि 2 parts में ऑलमोस्ट डिवाइडेड है, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक. ठीक है, सो मनी इज अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, इट्स ऑल कंसेप्चुअल. सो मनी बेटे, मनी जो है वो यू कांट डिनाई दैट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, राइट? इट इज बेसिकली द फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे revolve. जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, what are economic activities which are performed for the sake of money? So all our economic activities, they revolve around money. So today it is quite difficult to imagine our economic scene without money. ठीक है, so ये एक basic necessity है. Money, मैंने कहा कि एक important discovery है, actually it was not discovered, it evolved. ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ मनी इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट वी विल डिस्कस इट इन ब्रीफ लेटर ऑन एट द एंड. जो चीज हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अब मनी से पहले बेटे बार्टर सिस्टम हुआ करता था. जिस भी इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता है उसको हम सीसी इकोनॉमी कहते हैं. सीसी मीन्स कमोडिटी फॉर कमोडिटी. ठीक है, सो सीसी इकोनॉमी और बार्टर इकोनॉमी इज द वन इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स. सो अर्लियर दे यूज्ड टू प्रिवेल बार्टर सिस्टम, बट देयर वर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है कि अगर आपको मेरे को किसी चीज की जरूरत है और मैं उसको लेना चाहती हूँ, मेरे पास उस टाइम पे मनी नहीं होती थी, सो आई हैड नथिंग टू परचेज I had nothing. अगर मेरे को कोई चीज खरीदनी है उसको परचेज करने के लिए, इन रिटर्न मैं क्या दूंगी, मैं वो कमोडिटी दूंगी जो मेरे पास सरप्लस में है, इन एक्सचेंज फॉर द कमोडिटी विच आई नीड. ठीक है, सो एक इसके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती थी, विच वॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट. Double coincidence of wants means both the parties means buyer and seller. ठीक है, मैं लेना चाहती हूँ, ये बेचना चाहता है, तो एक पार्टी होगी बायर, दूसरी पार्टी होगी सेलर. सो बोथ पार्टीज शुड बी रेडी टू बाय एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटी. वॉट डज इट मीन? इफ देयर इज वन कमोडिटी विच बी वॉन्ट्स टू परचेज, its commodity, the commodity is x, and this seller wants to sell this commodity x. ye khareedna chahta hai, ye bechna chahta hai, kaun si commodity? Commodity x. lekin b jo hai s se tabhi wo commodity khareed sakta hai agar jo commodity x ko chahiye wo b bechne ko तैयार है. ठीक है, यानी अगर एक्स बी जो है वो एक्स लेना चाहता है और वो एस के पास अवेलेबल है, तो एस इसको तभी देगा अगर ये इसके बदले इसको जो कमोडिटी चाहिए से वाई वो इसके पास है और ये इसको बेचने को तैयार है इन रिटर्न फॉर एक्स. सो बोथ दी पार्टीज should be ready to buy and sell each other's commodity. एक दूसरे की commodity वो बेचने
और खरीदने को तैयार होने चाहिए। इसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नाउ दिस वाज द मेजर डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम अलोंग विद अदर डिफिकल्टीज, बट दिस वाज द मेजर डिफिकल्टी। हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर द बायर और बी टू फाइंड ए पर्सन हु इज रेडी टू सेल एक्स इन रिटर्न फॉर वाई। ठीक है, so it was kind of very very difficult thing to find a buyer or to find a seller. So iske ilawa there were many other difficulties, like there was no common measure of value, common units nahi hota tha jisse hum apni kisi bhi commodity ki value ko measure kar sakte the. For example, right now I ask you, bete aapne ye jo pen pakda hua hai, batao iski value kya hai? ठीक है, एनी वन ऑफ यू टेल मी द वैल्यू ऑफ द पेन यू आर होल्डिंग। यू आर अनम्यूटेड ऑल ऑफ यू, टेल मी द वैल्यू ऑफ पेन विच यू आर होल्डिंग। ओके, 10 रुपीज, फाइन, 10 रुपीज। ठीक है, सो किसी ने 10 बोला, किसी ने 5 बोला, किसी ने 20 बोला, किसी ने 100 बोला, but see all of you are able to measure the value of a pen. So because money, you are measuring it in terms of price, price is measured in terms of money. ठीक है, so money क्योंकि existence में है तो आप जो भी commodity आपके पास है उसकी value को आप measure कर सकते हो, आपके पास एक standardized measure है value का। ठीक है, unit है जिससे आप money को measure कर सकते हो। बट बच्चे इन केस मनी इज नॉट देयर, ठीक है, अभी ऐसे इमेजिन करो मनी नहीं है तो आप पेन की वैल्यू किस टर्म्स में मेजर करोगे? एनीवन? नाउ अज्यूम मनी इज नॉट देयर, देयर इज बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम इज नॉन एग्जिस्टेंट। नाउ जिन स्टूडेंट्स ने मेरे को आंसर दिया है कि 10 है, 20 है पेन की वैल्यू, वो अब क्या वैल्यू मेजर करेंगे अपनी कमोडिटी की, पेन की या नोटबुक की या घर की, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू या वॉच की? ओके, इन केजीज और ग्राम्स? ओके, वन आंसर आई हैव गॉट, इन केजीज एंड ग्राम्स। बेटे वैल्यू मेजर करनी है हमने, ठीक है, तो लेट अस से मैं आपसे पेन लेने आई हूं, ठीक है, जब तो मनी है, मैंने कहा एक पेन चाहिए आप, कितने का है? आपने कहा 10 रुपए, मैंने आपको 10 रुपए दिए, मैंने आपसे पेन ले लिया, आपके पास पेन की वैल्यू आ गई 10 रुपए। नाउ इमेजिन द अनदर सिचुएशन, मनी है ही नहीं है, अब मैं आपके पास पेन लेने आई, मैंने कहा आई नीड वन पेन, अब बताओ आप अपने पेन को किस टर्म में मेजर करोगे? ओके, यस, वैभव इज सेइंग एनी कमोडिटी विच वी वॉन्ट इन एक्सचेंज फॉर पेन। लेट अस सपोज आपको पता है कि मैं चौक प्रोड्यूस करती हूँ और आपको चौक की जरूरत है, ठीक है, तो मैं आपसे पेन लेने आई, आपने कहा ठीक है पेन ले लो, लेकिन उसके बदले आई विल टेक 10 चॉक्स। ठीक है, आई गो टू अनदर चाइल्ड, आई आस्क हिम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर पेन, तो सेम पेन है उसके पास लेकिन उसको जरूरत है किसी और चीज की, चिप्स की जरूरत है, तो उसने कहा 1 पेन इक्वल्स 1 पैकेट ऑफ चिप्स। ठीक है, सो इन दिस वे आई एम अनएबल टू सी कि कौन अपने कमोडिटी की वैल्यू ज्यादा लगा रहा है, कम लगा रहा है, बेसिकली वैल्यू को मेजर करने का कोई वे आउट नहीं होता था। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट देयर वर मेनी अदर डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। सो धीरे धीरे करके बार्टर सिस्टम खत्म होता गया, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई मनी केम इन टू एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी जस्ट हैव मीनिंग ऑफ मनी, राइट, एंड मेजर मनी सप्लाई, मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, राइट। तो अर्लियर देयर यूज्ड टू बी फंक्शंस ऑफ मनी एज वेल इन अवर सिलेबस, बट नाउ दैट हैज बीन डिलीटेड। सो मनी के फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, हाँ उसकी डेफिनेशन में हम उनको पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मनी, हाउ वुड वी डिफाइन मनी? बेटे मनी इज एनीथिंग विच एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, as a medium of exchange, as a store of value, and as a standard of deferred payment. Money ki definitions jo hain wo alag alag
वे में दी गई है. ये जो मनी की डेफिनेशन है, इट इज इन टर्म्स ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मनी. ठीक है, तो मनी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज बेटे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स एनीथिंग कैन बी बॉट विद द हेल्प ऑफ मनी एंड एनीथिंग कैन बी सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी. ठीक है, मनी ने बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को सेपरेट आउट कर दिया है. अब बी को एस ढूंढने की जरूरत नहीं है. बी सीधा मार्केट में जाएगा और वहां पर मनी देगा और कमोडिटी जिसकी उसको जरूरत है एक्स कमोडिटी खरीद लेगा. ठीक है, सिमिलरली एस जो अपनी वाई कमोडिटी बेचने को तैयार है वो मार्केट में जाएगा. ठीक है, मार्केट में अपनी कमोडिटी दे देगा, बेच देगा और उसके बदले मनी ले आएगा. सो मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बाय एक्टिंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट हैज एलिमिनेटेड द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. अब आपको ऐसा पर्सन ढूंढने की जरूरत नहीं है जो आपकी कमोडिटी खरीदने को तैयार है उसके बदले अपनी कमोडिटी देने को तैयार है. ठीक है, सो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप जाइए मार्केट में से अपनी कमोडिटी खरीद लाइए. सो मनी ने बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को अलग अलग कर दिया है जिससे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की नीड एलिमिनेट हो गई है. ठीक है, सेकेंडली मनी एक्ट्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू. व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ वैल्यू? वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जस्ट लाइक आई आस्क यू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ योर पेन, ऑल ऑफ यू आंसर्ड इन रुपीज. रुपीज द डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी मनी. ठीक है, सो एनीथिंग कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी. दिस इज अनदर फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय मनी. देन मनी एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू. What is the meaning of acting as a store of value? It means you can effect your savings in terms of money. कई बारी हम अपनी जो earning करते हैं उसको future use के लिए रखना चाहते हैं क्योंकि everybody is going to get old and when you are old you would be unable to earn money. ठीक है, सो आप अपने पेरेंट्स को देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए, अपने आप को देखिए, यू ऑलवेज सेव सम पार्ट ऑफ योर मनी. हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सेव इन टर्म्स ऑफ मनी? मनी की टर्म्स में आप कैसे सेव कर सकते हो? क्योंकि मनी ड्यूरेबल है, मनी की वैल्यू मोर और लेस सेम रहती है. लेकिन गो बैक टू द बार्टर सिस्टम. मनी है ही नहीं है. आप एक फार्मर हो, वीट प्रोड्यूस करते हो, आपको पता है आपका आप ओल्ड एज में आप नहीं कमा पाओगे, फिर आपको कौन खिलाएगा? आप चाहते हो कि मैं वीट स्टोर करके रख लूं, तो आपने एक पिट खोद ली. ठीक है, उसमें आपने अपनी वीट प्रिजर्व करके रख ली, तो 10-20 साल बाद आपको जरूरत पड़ी. ठीक है, तो आपने देखा वो वीट खराब हो गई थी. यानी बार्टर सिस्टम में हम सेविंग्स नहीं कर सकते थे. और आज के टाइम पे देखो, आपने अपनी मनी लॉकर में सेव करके रखी है, वो कहीं नहीं जाएगी. हाँ, अगर डीमोनेटाइजेशन होगी तो उसकी वैल्यू जीरो. ठीक है, या इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. अदरवाइज यू कैन डू सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी. सो मनी एक्ट्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू. देन मनी ऑल्सो एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. Standard of deferred payment. Deferred payment means future payments. Future payments means aapke debts. That is, money can be used to pay off your debts. Aapne kisi se karza liya, theek hai, 10 saalon ke liye liya, 10 saal baad aap money ki form mein usko wapis kar sakte hain, wo refuse nahi kar sakta. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 रुपए के नोट लिए
और आपको वही वाले नोट वापस करने पड़ेंगे. आपको वैल्यू सेम रिटर्न करनी है, मेक्स नो डिफरेंस कि आप कौन से वाले नोट दे रहे हो, ठीक है. लेकिन अगर बाटा सिस्टम की बात करें तो दिस वॉज द डिफिकल्टी इन बाटा सिस्टम. अगर आपने किसी से उधार ले लिया, राइस उधार ले लिए, ठीक है, 2 साल बाद आपके अच्छी प्रोडक्शन होगी, आप उसको वापस करने गए तो आपने कहा ये लो जी अपने राइस ले लो, तो वो कहेगा कि मैंने जब आपको राइस दिए थे देवर लॉन्ग ग्रेन, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, टुडे द राइस यू आर रिटर्निंग मी दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, सो आई नीड मोर राइस इन रिटर्न फॉर दैट और आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट. बट मनी को कोई भी, जब आप कोई भी फ्यूचर पेमेंट्स करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट करते हो या अपने डेट्स पे ऑफ करते हो, मनी को कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता. सो बेटे दीज आर दी मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मनी, इनको हम प्राइमरी फंक्शंस भी कहते हैं. इसके अलावा मनी के कुछ सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, बट बिकॉज these are not in our syllabus, so we will not be discussing it in detail. अगर आपको आ भी जाता है तो मैंने आपको actually ये जो money का ये function measure of value and medium of exchange लिख लो कहीं पे, ये दोनों primary functions हैं. Primary function of money, क्योंकि MCQ बन सकता है definition में से ही, primary functions of money measure of value और यूनिट ऑफ वैल्यू भी कह देते हैं इसको, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दीज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, दीज आर सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है. सो मनी थिंग, मनी इज एनीथिंग विच एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए मेजर और यूनिट ऑफ वैल्यू, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू and as a standard of deferred payments.